ये देखिए, ये भाई तो यहाँ तक नहीं आ, ये तो अब देख लीजिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ इतना ही एक इंसान का जान जा सकता है। हमने पूरा इतना बड़े बाउल में भर के ये चिली पनीर है। जय दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है जिसु और आप सभी तो मेरे पीछे जो ट्रेन लगी पड़ी है ये भाई साहब कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में चलने वाली ट्रेन यानी हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि पूरे के पूरे 4 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचाते हैं। और बहुत लोगों का सपना होता है भाई साहब कन्याकुमारी से कश्मीर जाएं, तो हम लोगों ने आप सभी के लिए लेके आ गए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ट्रेन। और बात यह है ना कि भाई साहब हमने अभी तक इस ट्रेन में 3 दिन की जर्नी कर ली और 1 दिन की मतलब बाकी है आज की, और कल सुबह तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। लेकिन बात यह है ना कि आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, भाई साहब उसे देख ले और इसे देख के अब मजे लेते रहे, क्योंकि भाई साहब 4 दिन का सफ़र कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ऐसे ऐसे नेचर, ऐसे ऐसे नज़ारे और ऐसे ऐसे खाने का स्वाद चखाए हैं ना कि आप सभी को मज़ा आएगा। बाकी चलते हैं, अभी हम लोग फिलहाल में भोपाल में और भोपाल से पार्ट 3 की स्टार्ट करते हैं। 1-2 नहीं देखो तो देखना जरूर। बाकी यहाँ चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, आप चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ले सकते हो, हम भी लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हो निकल चुकी है ट्रेन अपनी भोपाल से, और पता है ट्रेन जो है ना भाई साहब 1-1.5 घंटे हमेशा से लेट ही चल रही है, देखते ही ये कब कवर कर पाती है। लेकिन जो अपना हॉल्ट आने वाला अगला यानी वीरांगना लक्ष्मी भाई रेलवे स्टेशन यानी ये झांसी, भाई साहब काफ़ी देर, तो देखते हैं जब तक ये खाते पीते हैं चलते अपने सीट पर। भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप सभी का ऐसे इंडिया के नज़ारे घुमाते रहते हैं, दिखाते रहते, बताते रहते हैं कि इंडिया के कैसे घूमे फिरे और मौज करें। बाकी चलते हैं। भाई साहब हमने श्रीखंड तो लिया ही था साथ साथ में, देख सकते हो ये मेरा फेवरेट है, हमने रबड़ी भी ले लिया था जो कि सांची का है और सांची का रबड़ी काफ़ी अच्छा है। और ये जो श्रीखंड है ना, देखो श्रीखंड ऐसा होता है, श्रीखंड में डिफरेंट ही है कि पूरा मलाई की तरह होता है, और वो जो जानते हो रबड़ी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, और श्रीखंड बिल्कुल क्रीम क्रीम लग रहा है भाई, ये भी मज़ेदार है। लक्ष्मी बाई खास अपनी पहुंच चुके है, पता है कहाँ, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जिसे आप पहले झांसी के नाम से ही केवल जानते थे। और बात कर रहा है इसे झांसी रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड VGLB नंबर प्लेटफॉर्म पूरे के पूरे 8, और यहाँ से भाई साहब 246 ट्रेनों का भाई साहब गुजरने का, रोज का रुकने का काम चलता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे आप सभी को आते ही पहले तो खाना खाना खाना, मतलब केवल खाना खाना का नहीं होता है। और देखिए हमें भी खाने के लिए कॉल आ चुका है, 1 मिनट बातें कर लेते हैं। हाँ भैया खाओ, सीट पे हो, आगे बस सीट पे 1 मिनट। और भैया किधर गए सीट पे, ओ आप हो, और ये आ गया बहुत ही ज़्यादा खाना खाना खाना, तुलसी कैटरिंग्स। कितना भैया पैसा? और निकल चुके हैं हम लोग झांसी से, देख सकते हैं खाने पीने का यहाँ पे कोई कमी नहीं होने वाला, लेकिन जो भी डिब्बा बंद खाना लेना भाई साहब पहले खोल के देख लेना कि बढ़िया है कि नहीं। वरना मैंने एक बार लिया था हमारा 120 रुपये या 100 रुपये पानी में चले गया था, क्योंकि मैंने उसको कचड़े में डाल दिया था। और भाई साहब जो हमने खाना मंगाया था ना, खाना तो भाई देख के ये मस्त लग रहा है बिल्कुल। देखो हमने क्या क्या मंगाया था, ये देख सकते हो हमने पूरा इतना बड़े बाउल में भर के, ये चिली पनीर है देख रहे हो भाई, क्वांटिटी देखो पूरा भर के था, हमने इतने प्लेट में निकाला तब पर भी इतना, मतलब पूरे ये 2 लोगों के लिए इतना सफिशियंट है, एक अकेला आदमी तो खा ही नहीं सकता भाई। हमने देखो रोटी मंगाया 10 रोटी मंगाया, हमने प्लेन रोटी मंगाया था लेकिन भाई साहब ने बटर लगा के दिया है, और ये 2 तंदूरी मंगा लिया था आप सभी को दिखाने के लिए कि अगर आप तक यहाँ तक पहुँचता है तंदूरी रोटी तो कैसा रहता है, तंदूरी रोटी का हालत बिल्कुल मस्त रहता है। बाकी टेस्ट की बात करो ना भाई, ऑसम टेस्ट होता है इसका, ये देखिए गजब, बिल्कुल पनीर के बिल्कुल गिनती के साथ 8 से 9 पीस होते हैं। भाई साहब अगर टेस्ट की बात करो ना इस पूरे ओवरऑल की तो भाई एक नंबर, क्योंकि मैंने पिछले बार भी एक बार ट्राई किया है आप सभी को दिखाया था, ये तुलसी कैटरिंग से मतलब झांसी का एक जाना माना नाम है, बहुत बढ़िया है। और ये हमें पड़ा है 330 रुपये के आसपास में, तो महंगा भी नहीं अगर 2 लोग आपस में शेयर करते हो तो। बाकी खाते पीते हैं
और निकलते हैं आगे का सफर पे, ग्वालियर जंक्शन। और यहाँ से दिल्ली जाने वालों की काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है। अब दिल्ली जा रहे हैं कि जम्मू, कुछ भी हो भीड़ भैया दबा के। चलिए दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है भाई साहब ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात यह है ना कि यहाँ से जनरल में चढ़ने वालों की, क्योंकि भाई साहब आपने देखा पूरी लाइन लगी पड़ी है, यानी अपना जो ट्रेन है ना वो पूरे जनरल से पैक हो गया। वैसे अगर बात करें ग्वालियर के स्टेशन को GWL, वैसे चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे पूरे पूरे 167 ट्रेनें आके रुक जाती है। और जो ग्वालियर है ना भाई साहब, जानते हो ना किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने फोर्ट के लिए, अपने यहाँ ग्वालियर के गुरुद्वारे के लिए। जब आप ग्वालियर फोर्ट से जाओगे चढ़ के भाई, ऊपर से नीचे का नज़ारा देखोगे तो भाई साहब लगेगा कि कोई राजा हो और तुम्हारी प्रजा की पूरी जो कहते हैं ना कॉलोनियाँ बनी हुई है। बस अगर बात कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे तो 2 मिनट का होल्ड होता है, लेकिन ग्वालियर फोर्ट नहीं घूमो तो आना। और जब भी आना ना आप यहाँ पे तो 4 नंबर के साइड में जाना, क्योंकि सारा शहर होटल्स होटल्स यहीं पे। और आपको यहाँ पे सस्ते में यार 500 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाता है, जिसमें एक आदमी रह सकते हो, 2 आदमी भी 600 में एडजस्ट हो जाता है। और निकल चुके इस ग्वालियर के खूबसूरत से रेलवे स्टेशन से। रुकने का तो टाइम था भाई 2 मिनट, लेकिन 7.5 मिनट रुक चुका है। और दोस्तों हमारी जो ट्रेन है बानमोर में लगा दी गई है, और पता है हमें कौन ओवरटेक करने वाला है? भाई साहब इंडिया के सबसे तेज ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन, यानी गतिमान एक्सप्रेस, जो कि देख सकते हैं हॉर्न के साथ आ चुकी है। और ये रही अपनी गतिमान, साहब पल भर में 2 से 3 सेकंड के अंदर गायब। ऐसी नहीं गति मानना हमें इसका, अब तो दिख भी नहीं रही है कि कहां चली गई। चलिए दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन जैसे लेट चल रही थी उसी हिसाब से आ चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, यानी वहीं जहां पे भाई साहब प्यार की निशानी यानी ताजमहल को मुमताज के लिए बनवाया गया था। और जानते ही आप सभी के लिए एक होमवर्क देता हूं भाई साहब, ताजमहल किसने बनवाया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पता होता है, वो बताइएगा ज़रूर। कई लोग बोलते हैं कि लाल किला, ये पता नहीं क्या क्या, तो सब आपको बताना है, मैं कुछ नहीं बताना। इतना जानता हूँ कि मुमताज के लिए बनाया गया था, और इसे बनाने वाले एक राजा थे जिनका बेटा ने उनको जेल में डाल दिया था, और वो जो जेल में डालते उनका बेटा का क्या नाम था ये बताना है। और ऐसे अगर बात करें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की, स्टेशन कोड AGC, नंबर प्लेटफॉर्म 6, और यहाँ से ओरिजिनेट ट्रेनमेंट तो होती है, साथ में 167 ट्रेनों का हॉल्ट भी है। और जो अपनी ट्रेन का हॉल्ट है ना पूरे का पूरे 5 मिनट का। और यहाँ पे भाई साहब गतिमान ट्रेन रुकती है। जैसे देखो गतिमान का अगर मैं बताऊँ तो झांसी चल के ग्वालियर होते हुए आगरा, पहले आगरा तक ही चलती थी, लेकिन अब उसे झांसी तक एक्सटेंड कर दिया गया। बाकी अपने चलते हैं, 5 मिनट का हॉल्ट है तो क्या करें। ट्रेन बिल्कुल शांत है, और शांत ट्रेन में आपके अजीत भाई को जानते हो ना मज़ा नहीं आता। बाकी आगे आप मिलेंगे यहाँ से डायरेक्ट हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, यहाँ भी काफ़ी लोग चढ़े हैं और उतरे भी हैं। और भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं आगरा कैंट से, और इधर में आना तो भैया पता है क्या करना है ना, अपने सामान का जिम्मेवार खुद रहे, क्योंकि उधर चोर चूहड़ ज़्यादा होते हैं। और चोर चूहड़ ज़्यादा का मतलब समझ ही सकते हो कि इधर भीड़ होता है, और दिल्ली में अब एंटर करने वाले हो तो ध्यान नहीं रखोगे तो चले जाएगा, तो चिल्लाते रह जाओगे। बाकी चलते हैं, भीड़ अच्छा खासा इस स्टेशन पर, क्योंकि भाई साहब ऐसा चीज़ ही है, 8वां अजूबा, बैठते अपनी सीट पर क्या किया जा सकता है। और क्या भीड़ है भाई साहब, वो देखिए बोरा पार्टी लेके एकदम। तो जी दोस्तों, रात के करीबन 9:20-22 हो रहे हैं, और आपका भाई एक नींदे ले भी चुका और पहुंच चुका अपने देश की राजधानी यानी न्यू दिल्ली में। और हमारे बगल में देख सकते हैं जो ट्रेन ही है ना ये सब है भाई, ये गोरखधाम एक्सप्रेस जो कि भटिंडा से गोरखपुर के बीच में चलती है। और इतना भीड़ है इस ट्रेन के जनरल में, इतना भीड़ है जनरल का, स्लीपर का हालत देखो ना, लोग लाइन से लगे पड़े अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, और अपनी ट्रेन तो उधर लगी पड़ी है। वैसे अगर बात करो इसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड NDLS,
नंबर है, पर हम पूरे का पूरे 16 और 7 में यहाँ से भाई साहब 92 ट्रेनों का डेली हॉल्ट है, और यहाँ पे भाई साहब हॉल्ट के साथ साथ पता है ना 95 ट्रेन ओरिजिनेट और 95 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और बात ये है ना कि बहुत सारे लोग जो है न्यू दिल्ली में आते हैं, उन्हें रात को होटल चाहिए, काफ़ी रात हो जाता है, तो आप सभी को 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ पहाड़गंज की तरफ जाकर उतरना है, उधर में अपने आप से जाके होटल खोजना है। बहुत सारी होटलें जो बाहर पकड़ते भैया होटल दे दे, भैया होटल दे दे, चाचा होटल, उनसे नहीं क्योंकि भाई उनका कमीशन हो जाएगा। बाहर में आप सभी को 500-600 रुपये में बहुत बढ़िया होटल मिल जाएगा। और देख सकते हो जो गोरखधाम है यहाँ से निकल चुके, ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, बस इतना ही हालत ख़राब है ना ये ठंडा का दिन में भी पूरे का पूरा भाई लोग एकदम गेट पर लदा पड़ा है। रात के बताइए 9:30 हो रहा है, ये देखिए ये भाई तो यहाँ तक नहीं आई है, तो अब देख लीजिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ इतना ही कि इंसान का जान जा सकता है, बाकी चलिए अपनी ट्रेन भी निकलने वाली है, क्या किया जा सकता है। और मैं बोला था स्टेशन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस इतना ही लोग कि जाने जा सकती है। और ये देखिए ये है स्लीपर क्लास, स्लीपर क्लास इतना भरा पड़ा है, सारा इतना भरा पड़ा है, और बात यह है ना कि अब यहाँ पे बैकअप होते कुछ नहीं है, देखिए मतलब इतने सारे लोग छूट चुके थे, दूसरे का जगह नहीं मिला तो घुसे कहाँ से, यार अजीब चल रहा है भाई साहब यहाँ पे। तो ये देखो देखो स्लीपर का हाल है, सैन क्लास अपना भी देखते रहना खुले में, पता नहीं अब वो पता कुछ नहीं है, पकड़ो पकड़ो चलो। सामान छूट गया था, फिर जल्दी भी भाग लेते वहाँ से आए नहीं सर, बाहर आते और दोस्तों देख सकते हो उस ट्रेन के जाने के बाद अपनी भी ट्रेन निकल ही चुकी, लेकिन अपनी ट्रेन में वो हालत नहीं है, लेकिन अगर बिहार यूपी की ट्रेन रहती तो वो वाला हालत हो ही जाता। वैसे अगर बात कर रहा था भाई साहब ट्रेन तो निकल चुका आएगा, सोनीपत पानीपत बहुत तरफ पता आएगा, लेकिन बात यह है ना कि उन सब पथ को हम ना कवर करते हुए हम मिलेंगे आप सभी से सुबह में जहाँ अपनी नींद खुलती है, क्योंकि आप सभी जानते हो ना भाई जब रात में आने वाला है, और रात में आने से भी क्या फ़ायदा है, हमने आप सभी को बहुत बार दिखाया, तो मिलते हैं सुबह में जहाँ अपनी नींद खुलती है, बाकी जो होता है बताते हैं। जम्मू तवी भाई साहब मतलब गुड मॉर्निंग जी, और कन्याकुमारी साहब सच में कश्मीर में आ गए, और ठंड के मारे मतलब कुल्फी जम रहा है यार, यकीन नहीं हो रहा है कि अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले जहाँ पे थे वहाँ पे मतलब गर्मी के कारण हालत ख़राब था, और यहाँ पे ठंडी के मारे मतलब हालत ख़राब हो गया। वैसे हम लोग आ चुके हैं जम्मू तवी, यानी लगभग हम लोगों ने 3,800 किलोमीटर में से करीबन अब हम लोगों को 70 किलोमीटर कवर करने हैं। और बात ये है ना कि ये सफ़र भाई मेरा यहाँ तक बहुत ही अच्छा रहा, इतना मज़ा आया इस सफ़र में, क्योंकि सारे देख रहे हैं सारे मेरे भाई सब मेरे साथ आ रहे थे, मतलब जितने केरला वाले भाई थे यहाँ के वॉलीबॉल टीम प्लेयर, बाकी सारे भाई लोग कश्मीर घूमने आए हैं, अब तो ठंडी के मारे अब तो हालत ख़राब हो रहा है, बाकी यहाँ पर अच्छा खासा रुकेगा जितने भी अधिक से अधिक मतलब 80% ट्रेन यहाँ पर खाली होगी, 20% जो लोग हैं माता वैष्णो देवी के लिए आगे के लिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का यहाँ से ट्रेन होते यहाँ से बस होती है जो कि अंदर कश्मीर में घूमने जाते हैं, बाकी हम भी जाएंगे कभी, पहले तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने चलते हैं, प्यारे प्यारे सभी आएंगे वो इंजॉय कीजिएगा ठंडा के मारे, लेकिन कुछ नहीं कहना यार। और भाई साहब ये सब हमारे केरला वाले दोस्त हैं, देख सकते हैं इनको अभी तक ठंडा तक नहीं लग रहा यार, मानना पड़ेगा। और ये सब भाई सब का क्या ही बात करें, बाकी सारे भाई लोग आए थे
निकल ले दीजिए, ये भी कश्मीर के मजे ले ले। टी शर्ट ठंडा नहीं लगता भाई, बॉडी बिल्डर आदमी है, ठंडा नहीं लगेगा, हमें तो लग रही है। तो ट्रेन अपनी निकल चुकी है इस जम्मू तवी से, और जिसको उतरना था उतर गए, सारे दोस्त उतर गए, बाकी बहुत सारे अभी लोग बचे भी है। और अपने भैया भी देखो, भैया जी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं भैया? ये छोले भटूरे। कैसा लग रहा है छोले भटूरे आपने? पहला बार खा रहे हैं इधर आके ना? भैया का, हाँ भैया का पहली बार है कि दिल्ली साइड में, जम्मू साइड में पहली बार आ रहा है, छोला भटूरा आते होते ना खाए तो भाई आप दिल्ली और जम्मू की तरफ आए ही क्यों? बाकी टेस्ट अच्छा है ना, टेस्ट अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। बाकी आप पता है क्या करना है ना, खूबसूरत नजारे को आनंद लीजिए, इतने सारे टनल, इतने सारे पर्वत, इतने सारे पहाड़, इतनी सारी नदियाँ आएंगी कि आपका दिल खुश हो जाने वाला है। और वो देखिए, वो विराजमान है हमारी श्री माता वैष्णो देवी जी, और ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, माता रानी के दरबार में बादलों के बीच में पूरा एकदम आनंद आएगा आप सभी, अगर आप माता वैष्णो देवी आते हैं तो। और ये लगा है जम्मू मेल, जो कि दोपहर 2 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेगा। और फाइनली जो दोस्तों, पूरे का पूरे 3000 लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर के, देख सकते हैं, श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आ सकते हैं। और वहाँ ही पे ही हैं विराजमान अपनी श्री माता वैष्णो देवी जी। और भाई साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सभी के प्यार के बदौलत, माता जी के आशीर्वाद के बदौलत, हम लोग यहाँ पे आखिरकार पहुँच ही चुके हैं। भाई साहब, अगर जर्नी में बात करूँ ना, तो जर्नी तीनों का तीनों पार्ट है बहुत ही मस्त रहा, इतना मजा आया। बस आप सभी का प्यार है जो मैं ये सब कर पाता हूँ, आप सभी को कभी कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी लेके जाता हूँ। भाई साहब, अब मैं पता है माता जी के दर्शन करके आ चुका हूँ। जी हाँ, देखते हैं, ड्रेस चेंज हो चुका है। मैंने सोचा जब आप सभी से लास्ट में बातें करेंगे ना, तो माता जी से आप सभी के लिए भी आशीर्वाद मांग के आएंगे कि सभी हमेशा खुश रहें। बाकी यही है कि आप सभी का प्यार है, माता जी का आशीर्वाद है, तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो भाई साहब, पता नहीं क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके, अगर आप सभी ने इसके पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ईयर में, किसी नेक्स्ट जर्नी के साथ, किसी नेक्स्ट ऐसे ही खूबसूरत जगह पे। जब तक के लिए जय हिंद। हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।